तो हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम फिर से खेलने वाले करियर मोड। पिछली वाली करियर मोड के एपिसोड पे मैंने एक मैच अधूरा छोड़ दिया था, वो मैच आज पहले कंप्लीट करने वाला है। उस मैच का समरी कुछ इस तरह का है। असम 210 रन आगे है एंड असम का सेकेंड इनिंग्स पे बैटिंग चल रहा है। असम ने फर्स्ट इनिंग्स पे 298 रन बनाया था एंड बंगाल ने फर्स्ट इनिंग्स पे 223 रन बना पाया। तो बंगाल बहुत ही पीछे था एंड असम अभी सेकेंड इनिंग्स पे बैटिंग कर रहा है। तो देखते हैं सेकेंड इनिंग्स पे असम कितना रन बनाता है एंड कितना टारगेट देता है बंगाल को। एंड मैंने फर्स्ट इनिंग्स पे गेंदबाजी करा था लेकिन खास कुछ कर नहीं पाया एंड बैटिंग पे भी खास कुछ कर नहीं पाया। तो आज मेरे पास मौका है कुछ करके दिखाने का, तो देखते हैं कर पाता है या नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना एंड लाइक कर देना इस वाले वीडियो पे, जितना हो सके उतना लाइक कर देना, ठीक है? लाइक का एम नहीं रखते हैं, तो चलो लाइक कर देना फटाफट। तो चलो मैच पे आगे बढ़ते हैं। पहला गेंद यहाँ पर मेरा स्ट्राइक पे है एल यादव, तो पहला गेंद मेरे तरफ से यहाँ पर बढ़िया गेंद था, सिर्फ ड्राइव शॉट खेला, रन नहीं मिलता हुआ, डॉट गेंद पहला गेंद। तीसरा गेंद शोभवार का यहाँ पर आउट स्विंग कराने की कोशिश, बैट्समैन ने लीप कर दिया, अरे भाई खेल ना। चौथी गेंद यहाँ पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप था, उठा के शॉट मारा है यहाँ पर, पूरा फायदा उठाया, सारे फील्डर सर्कल के अंदर है तो फायदा तो उठाएगा। यहाँ पर पहला चौका मिलता हुआ, भाई आज का दिन का पहला चौका आता हुआ यहाँ पर, एंड मैंने ही जब गेंदबाजी कर रहा था तभी आया, बहुत सही। आज कोई गेंद यहाँ पर काटा की कोशिश, ओ क्या डिलीवरी था भाई। तीसरा गेंद यहाँ पर रिवर्स स्विंग हो रहा है तो वही कोशिश करूंगा यहाँ पर, बाल बाल बच गया बैट्समैन। नेक्स्ट ओवर का पहला गेंद यहाँ पर मेरे तरफ से बढ़िया गेंद, अरे भाई इस बार मैंने थर्ड स्लिप हटा लिया एंड उसी दिशा में चला गया चौका। अबे जब स्लिप रखता हूँ तो चौका नहीं निकलता है, कैच भी नहीं होता है, एंड यहाँ पर स्लीप हटा लिया, चला गया चौका। एल यादव फर्स्ट इनिंग्स पे भी बढ़िया बैटिंग किया एंड सेकंड इनिंग्स पे भी बढ़िया बैटिंग कर रहा है, तो इसी के बीच में लास्ट गेंद बहुत ही शानदार गेंद, यहाँ पर पूरा बीट हो गया बैट्समैन। यहाँ पर मुझे बैटिंग मिल चुका है, उसके बाद और गेंदबाजी नहीं मिला लेकिन बैटिंग तो मिल चुका है। तो भाई आते ही पहली गेंद स्पिनर, तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर पहली गेंद तो डिफेंस ही करूंगा, स्पिनर को पहली गेंद पे डिफेंस तो बनता है। तो यहाँ पर 430 रन का टारगेट है एंड बंगाल का 36 पे ही 3 विकेट गिर चुका है, तो बहुत ही ध्यान से बैटिंग करना पड़ेगा इस टाइम पे। ओ भाई पैरों पे लगा लेकिन अपील हुआ है, एलबीडब्ल्यू आउट तो नहीं होगा क्योंकि आउटसाइड द लेफ्ट स्टंप पिचिंग है, तो ऑब्वियसली भाई नॉट आउट ही रहेगा। अगर यहाँ से मैं बंगाल को मैच जिता दूंगा ना तो पूरा मैन ऑफ द मैच हो जाऊंगा यहाँ पर, तो ध्यान से खेलना पड़ेगा। बढ़िया शॉट, आउटफील्ड स्लो तो था फास्ट इनिंग्स पे, अभी भी स्लो ही है, तो चौका तो नहीं मिलेगा यहाँ पर। भाग के मैंने 3 तो रन ले लिया, चौथी भी ले लूँगा, तो भाग के यहाँ पर 4 रन मैंने ले लिया, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। सतीश का दूसरा गेंद यहाँ पर, ओ भाई शॉर्ट पिच डिलीवरी था, बीट हो गया यहाँ पर। पांचवी गेंद यहाँ पर डिफेंस ऑब्वियसली, ओ भाई साहब अंदर आ गया पढ़ने के बाद, मैंने सोचा था बाहर जाएगा। लास्ट गेंद था इस ओवर का, सिंगल लेने की कोशिश तो करूंगा, ओह भाई थोड़ा सा मिसटाइमिंग हो गया, गेंद हवा पे था कुछ देर एंड यहाँ पर सिंगल लेने की कोशिश किया था लेकिन 2 रन मिल गया तो ऑब्वियसली 2 ही लूंगा ना। दूसरा गेंद मैं यहाँ पर स्वीप शॉट खेलने की कोशिश करूंगा, स्वीप शॉट लाग भी गया फास्ट इनिंग्स पे, ऐसे ही स्वीप शॉट खेलते के टाइम पे मैंने आउट हो चुका था, लेकिन इस बार स्वीप शॉट खेला भी हूँ एंड 4 रन भी मुझे मिला है, बहुत ही शानदार स्वीप शॉट मेरे तरफ से आता हुआ यहाँ पर। लास्ट गेंद इस ओवर का स्वीप शॉट खेलने की प्रयास करूंगा, लास्ट गेंद पे शॉट खेल भी दिया बहुत ही बढ़िया से, 2 रन तो मिल ही जाएगा, 3 रन की कोशिश तो ऑब्वियसली मैं करने वाला हूँ, तब भी अपने पास स्ट्राइक रहेगा। तो यहाँ पर 3 रन का कोशिश बच गया, मैंने सोचा था रन आउट हो जाऊंगा। तीसरा गेंद यहाँ पर बढ़िया डिफेंस, तो रन तो मिल ही जाएगा ऑब्वियसली, रन ले लूंगा, फील्डर बहुत ही स्लो है, इतना स्लो क्यों भाई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अपना। दूसरा गेंद मंडल के तरफ से, स्ट्राइक पे मैं हूँ तो डिफेंस करूंगा, सामने बहुत सारे फील्डर है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टेंशन पे हूँ, कोई नहीं डिफेंस ही खेलूंगा। लास्ट गेंद थी शोवर का, तो लास्ट गेंद पे यहाँ पर बढ़िया शॉट, स्ट्राइक अपने पास ही रखूंगा इसीलिए सिंगल ले लिया। दूसरी तरफ से दिलानी बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहा है, दिलानी का हाफ सेंचुरी भी यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है एंड इसी के बीच में मैंने गैप पे शॉट खेल दिया, लेकिन क्या भाई आउटफील्ड इतना स्लो है ना, क्या ही बताओ, 3 रन तो मिल ही जाएगा, दिलानी को रन आउट मत करा दियो क्योंकि दिलानी बहुत बढ़िया खेल रहा है। पहला गेंद रमन के तरफ से एंड पहला गेंद, आ यहाँ पर क्या शॉट खेलने गया था मैं। दूसरा गेंद यहाँ पर बढ़िया शॉट, बढ़िया कवर ड्राइव, गैप पे तो है लेकिन आउटफील्ड पहुंच पाएगा क्या, आउटफील्ड, अरे भाई आउटफील्ड इतना स्लो है क्या बताऊं मैं,
भाग के यहाँ पर 4 रन कंप्लीट कर लिया। इतना आउटफील्ड स्लो है ना, बॉल पहुंच ही नहीं रहा है बाउंड्री तक। तीसरा गेंद शोवर का बढ़िया शॉट खेला, इस बार थोड़ा सा पावर से मारा शॉट को, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आउटफील्ड तो बहुत सही है, तो बाउंड्री तक पहुंचेगा नहीं। लेकिन इस बार 4 रन तो नहीं मिला, इस बार सिर्फ 3 रन मिला, लेकिन शॉट बहुत ही बढ़िया था। दूसरा गेंद शोवर का एंड यहाँ पर बढ़िया शॉट कैप पे है, बाउंड्री तक पहुंचा दे भाई। आउटफील्ड आउटफील्ड मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, देखो भाई गेंद को रोक दे रहा है भाई, क्या बताऊँ। यहाँ पर 3 रन ले लिया भाग के, चौथी भी कंप्लीट कर ही लूंगा, तो यहाँ पर भाग के मैंने 4 रन ले लिया। क्या कितना स्लो आउटफील्ड है, आउटफील्ड मुझे गुस्सा दिला रहा है भाई, इतना स्लो आउटफील्ड है ना, क्या ही बताऊँ मैं, मुझे गुस्सा आ रहा है आउटफील्ड की वजह से। ए भी चौका नहीं जाएगा यहाँ पर भी, मैंने मुझे भाग के ही रन लेना पड़ेगा, तो 3 ही रन मिलेगा इस बार, तो भाई इतना स्लो आउटफील्ड क्यों भाई क्यों। पांचवी गेंद यहाँ पर एंड में 48 रन पे बैटिंग कर रहा हूँ, तो पांचवी गेंद पे यहाँ पर काट शॉट खेला, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर, ओवर थ्रो हो गया, तो 4 रन भाई इस बार चौका आया आउटफील्ड के वजह से। एंड यहाँ पर मेरा 50 रन कंप्लीट हो चुका है, 62 गेंद पे 53 रन, बहुत ही बढ़िया बैटिंग। पहले इनिंग्स में कुछ कर नहीं पाया, लेकिन इस बार करके दिखा रहा है बंदा। पहला गेंद स्पिनर का, स्वीप शॉट खेलने की कोशिश करूंगा, शॉट भी खेला बहुत ही तेजी से गया, लेकिन फील्डर है तो सिर्फ 1 ही रन मिलता हुआ यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया शॉट था। इस बार ऑफ स्पिनर आया है, तो ऑफ स्पिनर का पहला गेंद डिफेंस करूंगा भाई, अंदर आएगा पड़ने के बाद दिक्कत होने वाला है। तीसरा गेंद इस ओवर का बढ़िया, अरे फील्डर भाई मेरा क्या कर दिया। दूसरा गेंद इस पिच पे बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, ओ भाई बाल बाल बच गया यहाँ पर, बैट के एज पे लगा था, कैच नहीं गया भाई, बाल बाल बच गया। इस वाले ग्राउंड पे बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, एक तो स्पिनर को इतना बढ़िया मदद मिल रहा है, एंड ऊपर से आउटफील्ड इतना स्लो है, क्या है बताऊँ मैं, बहुत दिक्कत हो रहा है इस वाले पिच पे बैटिंग करना। चौथी गेंद इस ओवर का लिप कर रहा हूँ भाई, बहुत ही अंदर आया था। दूसरा गेंद इस ओवर का यहाँ पर, नहीं 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 मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पर। पहला गेंद यहाँ पर बिंदान के तरफ से बढ़िया शॉट, सिर्फ 1 ही रन लूंगा, क्योंकि बिंदान का गेंद वैसे ही मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 2 का मौका है, छोड़ूंगा थोड़ी। दूसरा गेंद इस ओवर का बढ़िया शॉट यहाँ पर कैप पे है, चौका के लिए बाउंड्री तक पहुंचा दे भाई, पहुंच गया, बहुत सही इस बार पहुंच गया, रिवर्स स्वीप की कोशिश किया था एंड बाउंड्री तक पहुंच भी गया, एंड 4 रन मिल गया, बहुत सही। चौथी गेंद एंड में 77 रन पे बैटिंग कर रहा हूँ, चौथी गेंद पे भी रिवर्स स्वीप लगाया, गैप पे है, लेकिन आउटफील्ड बहुत सही है, इसीलिए बाउंड्री तक पहुंचने नहीं देगा, तो यहाँ पर 3 नहीं मिलेगा भाई, 2 ही रन मिलता हुआ। तीसरा गेंद शोवर का रिवर्स स्वीप शॉट लगाया, 1 रन बहुत ही जल्दी मिल गया, बहुत सही, नहीं तो दिलानी रन आउट हो जाता। पहला गेंद यहाँ पर बिंदान का, ओ हो, बाल बाल बच गया भाई। तीसरा गेंद बिंदान का यहाँ पर शॉट खेलूंगा, 1 रन बहुत ही इजीली मिल जाएगा, तो स्ट्राइक रखना नहीं चाहता हूँ, बिंदान का गेंद वैसे ही खेल नहीं पा रहा हूँ, तो अपने पास क्यों स्ट्राइक रखूंगा। एंड यहाँ पर दिलानी का सेंचुरी भी हो चुका है, 103 रन पे बैटिंग कर रहा है दिलानी, एंड में 81 पे बैटिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर न्यू गेंदबाज आया है, तो न्यू गेंदबाज का पहला गेंद पे ही मैंने 1 रन चुरा लिया। पहला गेंद यहाँ पर अरविंद यादव के तरफ से, ओ भाई बाउंस था, समझ नहीं पाया। दूसरा गेंद अरविंद यादव का यहाँ पर बाउंसर गेंद, बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश, एंड यहाँ पर आउट हो गया, कहाँ लगा था भाई, मैंने तो पुल शॉट बढ़िया लगाया था, लेकिन लगा कहाँ था, यहाँ पर आउट हो गया मैं। ओ भाई टॉप एज लग के ऊपर उठ गया, एंड बॉलर ने कैच कर लिया, बहुत सही, तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बैटिंग किया, 83 रन बना के यहाँ पर मैंने आउट हो गया। बंगाल इस वाली मैच को हार गया, एंड असम यहाँ पर 176 रन से इस वाली मैच को जीता है। अरविंद यादव मैन ऑफ द मैच हुआ है, सेकेंड इनिंग्स पे 6 विकेट लिया, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया अरविंद यादव अपने। बंगाल का सेकेंड इनिंग्स का स्कोर कार्ड आप देख ही सकते हो, दिलानी ने 124 रन बनाया एंड मैंने 83 रन बनाया, इसके बाद कोई भी बैट्समैन भाई चला ही नहीं, टॉप ऑर्डर भी फ्लॉप एंड लोअर ऑर्डर भी फ्लॉप, भाई कोई भी खड़ा नहीं हो पाया यहाँ पर। तो यहाँ पर बैटिंग एबिलिटी मुझे एक मिल चुका है, तो वो मैं अटैकिंग नहीं कहाँ पर जाना चाहिए, स्वीप शॉट ज़्यादा खेल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर स्वीप शॉट को इंक्रीज करने वाला हूँ, ठीक है।
अनलॉक भी किया एंड यहाँ पर परचेस भी कर लिया। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर एक स्वीप शॉट मैंने परचेस कर लिया, एबिलिटी मिला था यूज करना बनता है, कर भी लिया, स्वीप शॉट इम्प्रूव किया। तो नेक्स्ट मैच है उड़ीसा के साथ वन डे मैच, एंड इस वाले वीडियो पे अगर वन डे मैच कवर करने जाऊँ तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इस वाले मैच पे वन डे कवर नहीं कर रहा हूँ। अगले वाले मैच पे मैं वन डे भी कवर करूंगा एंड उसके नेक्स्ट वाला मैच पे कवर जरूर करूंगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो पे लाइक करना है, मैक्सिमम जितना हो सके उतना लाइक कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, तो इस वाले वीडियो इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मेरे चैनल को प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वाले वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला बटन भी प्रेस करके रखना, ठीक है? तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।